पापा पानी नहीं तो फिर पैसे मिले ही नहीं नहीं पापा पूरा घर छान मारा मैंने भी और तो और अपनी पूरी पर्स भी छान मारी एक एक चीज बाहर निकाल के पर नहीं मिले पैसे जो चले जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते ये तो फिर भी पैसे थे पसीना बहाकर भी नहीं मिलते ताली नहीं बजाओगे नहीं हम इस गम के माहौल को और गमगीन मत करो प्लीज मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जिसने भी पैसे चोरी किए उसने पूरे पैसों की चोरी नहीं की उसने सिर्फ 1.5 लाख रुपए चोरे बाकी के पैसे वैसे के वैसे ही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसने पैसे चोरी किए उसे सिर्फ 1.5 लाख रुपए की ही जरूरत थी हाँ वंदु की बात में दम है हो सकता है ऐसा पता है हमारी दादर के चाल में एक सरिता ताई रहती थी उनका बेटा था मनु अरे उसको क्या आदत थी पता है रोज अपनी माँ की पर्स से ना 50 रुपए ही चुराता था क्योंकि उसको रोज एक फिल्म देखनी होती थी मम्मी यहाँ पर हमारी एक अलग फिल्म चल रही है हाँ सॉरी नहीं वंदना की बात को अगर हम माने तो ऐसा कौन हो सकता है जिसने 1.5 लाख रुपए चुराए हूँ काका ये किसी बाहर के आदमी का काम तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक किया है हो सकता है ये किसी अंदर के आदमी का काम हो और उसने अपने धंधे में पैसे लगा दिए हो 1.5 का 3 करने के लिए ये What? क्या बोल क्या रहा है तू What? तेरा कहने का मतलब क्या है मैंने पैसे चुराए मैंने चुराए पैसे तो हो सकता है ना तूने स्टॉक मार्केट में लगा दिए होंगे ये झालर रात को कौन सा स्टॉक मार्केट खुला होता है बे रात को नहीं खुला होता पर लेन देन तो हो ही सकता है ना What? और मैंने ऐसा कब कहा मैं तो बस पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ वो तो हो ही सकती है ना ये तू क्या कहना क्या चाहता है मैंने पैसे चुराए एक मिनट आप लोग प्लीज आपस में मत झगड़ो यार क्या कर रहे हो तुम लोग वक्त क्या है हर्षद भाई देखो भाई प्लीज शांति से बात करते हैं ना वन्ना भाभी आप कह रही हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ पर क्षमा वन्ना भाभी पैसे तो कम है ही ना तो कम है तो मतलब मैंने किया जो कुछ भी गड़बड़ होती है सब हर्षद ने किया नहीं माना कि मैं करता हूँ थोड़ा मजाक मस्ती करता हूँ हूँ थोड़ा टेढ़ा टाइप का आदमी लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 1.5 लाख की चोरी का इल्जाम तू मुझ पे लगाएगा ए पंटर देख तू मेरी बात को ध्यान से समझ ये बैग एंड में तेरे पास में था और वहीं पे इसमें से 1.5 लाख रुपए कम हुए हैं केस ऑल दैट्स ऑल माय काका नहीं नहीं मतलब पैसे का बैग राजेश भाई के वहां पर भी था तो ये भी तो हो सकता है कि ये पैसे राजेश भाई ने चुराए हो तो जो अच्छा तो क्या कह रहा है हाँ मैं ईमानदार हूं मतलब किसी के 10 रुपए भी पड़े हो ना तो नजर उठाकर नहीं देखता ऐसे संस्कार नहीं दिए पापा ने मेरे मतलब आपका कहने का क्या मतलब है मेरे पापा ने मुझे ऐसे संस्कार दिए मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कल रात को आपने क्या कहा था कि राजेश भाई वो डाइनिंग टेबल पर पैसे रख दो तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लापरवाह लापरवाह नहीं राजेश भाई कॉन्फिडेंस बोलते इसको राजेश भाई कॉन्फिडेंस मारे को पता है कि मारे घर में रखे हुए पैसे कहीं पर भी जाने वाले नहीं है कॉन्फिडेंस इसी बात का फायदा उठाकर तुम लोग दोनों सारा दोष मारे सर पे डाल रहे हो शायद शांत हो जाइए तू चुप रहे नहीं अब मैंने पक्का तय कर लिया है कि मैं ये इल्जाम लगाने वाला हूँ कि राजेश भाई के वहां से पैसे गायब हुए हैं फिर वही बात ब्रो तू अपने पापा को समझा दे वरना तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा आई नो ब्रो बोल रहा हूँ बंधु कह रहे मैंने पैसे चुराए रिलैक्स हाँ प्लीज सब शांत दिमाग से बात करिए हाँ शांति फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल
Click the show links and enjoy watching the videos.